नमस्कार, मैं मीनल, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तो बीजेपी के मंत्री का नीतीश पर बड़ा हमला, कहां हम बुलाने नहीं गए थे। माल्या को झटका, जारी रहेगी ईडी की कार्यवाही। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को भाप गए सचिन, टीम इंडिया को दी एक खास सलाह। तो अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के बीच विवाद के बाद बीच और जदयू में तल्खी बढ़ गई है। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोर्ट से मंत्री प्रमोद कुमार ने भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उनके बयान से बिहार एनडीए में नया बखेरा खड़ा हो गया है। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि माल्या के खिलाफ चल रही ईडी की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगेगी। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की पोल खोल दी है। अश्विन बुमराह और ईशांत ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की हालत खराब कर दी है। इन गेंदबाजों की किफायती गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। मैच में पकड़ बनाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके मैच जीतने के लिए टीम की इंडिया को सलाह दी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।